हेलो दोस्तों, आज कुकिंग हिक्स में बहुत ही नई बहुत ही यूजफुल रेसिपी बन रही है। जो आप बचे हुए दाल को फेंक देते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा एक रेसिपी बन जाएगा। तो उससे पहले आपका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं, हमारे कुकिंग हिक्स पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बचे हुए दाल ले लिए हैं, जो भी दाल बचे हैं सुबह के उसे हम फेंके नहीं हैं। सोचिए आपके साथ एक अच्छा से रेसिपी का शेयर कर ले। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर दाल का जो पानी रहता है वो हमने पहले ही निकाल दिए हैं, और यहाँ पे जो भी थोड़ा सा पानी है एक्स्ट्रा वो हम निकाल दे रहे हैं। यानी जो हमें नीचे की मोटी वाली दाल की भाग है वो हमें चाहिए, तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पानी है ऊपर का वो हमने अच्छे से साइड कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप दाल के ऊपर का जो भी पानी है उसे आप पहले निकाल दें, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो हम बाद में बताएंगे वो कौन सी जगह पे आपको हेल्प मिलने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही अच्छे अच्छे हम इसमें यूजफुल आपको ट्रिक्स बताएंगे। तो यहाँ पे हमने दाल के सिर्फ मोटी वाले भाग को रखे हैं। तो अब चलते हैं अब गैस की तरफ। यहाँ पे हम गैस ऑन कर लिए हैं, एक कढ़ाई रखे हैं, इसमें करीब हम 2 चम्मच हम इसमें तेल रखेंगे। जो भी आप तेल यूज करते हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, और यहाँ पे 1 पिंच हींग ऐड करेंगे। इनका कलर चेंज हो जाए, यानी ब्राउन हो जाए जीरा का कलर, तो हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किए हैं। यहाँ पे आप लाल मिर्च करीब 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 2 चम्मच। यहाँ पे हमने हल्दी नमक यूज नहीं करे हैं, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक और हल्दी ऐड है। तो यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखें कि इसमें हमें नमक और हल्दी नहीं रखनी है। तो इन्हें डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें जब उबाल आ जाएगी अच्छे से, ये देखिए, तो हमें इसे कम से कम 7 से 8 मिनट गैस का फ्लेम हाई करके इसे कुक करना है, ऐसे ही इसी प्रोसेस में। लेकिन आप एक बात याद रखें, यहाँ पर आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो दाल के पतला वाला भाग निकाले थे वो यहीं पे हमें हेल्प मिलने वाली है, कि जब हम इसे ड्राई करेंगे, इसे हम जब कुक करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम कम लगेगा। अगर आप दाल वाले पानी के हिस्से के वाले भी दाल डाल देंगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगी। तो यहाँ पे यहीं हेल्प मिलने वाली है कि हम जो पानी निकाले हैं यहाँ पर 5 से 7 मिनट हमें इसे कुक करना है कंटिन्यू। बहुत ही इसकी टेस्टी रेसिपी बनने वाली है दोस्तों। आज के बाद आप दाल अगर बच जाएंगे तो उसे फेंकेंगे नहीं, उसका बहुत ही अच्छा आप ब्रेकफास्ट लंच बच्चों के लिए टिफ़िन भी तैयार कर सकते हैं। ये इतना यूजफुल, मतलब दाल बची हुई दाल से रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए करीब 5 मिनट हो गए हैं इन्हें हम उबालते हुए, तो ये देखिए पहले से काफ़ी ठीक हो गई है। तो हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और यहाँ पे देखिए हमने और भी ज़्यादा 4 से 5 मिनट कुक कर लिए हैं। तो ये पूरी अच्छी तरह से अब ड्राई हो गई है, लेकिन हमें इसे और भी ड्राई करना है। जब तक ये अच्छे से, मतलब ड्राई नहीं हो जाए तब तक हमें इसे और हम इसे 4 से 5 मिनट गैस का फ्लेम हाई करके कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। तो ये अपने आप एक जगह, मतलब बंधने लगेगी, एक जैसा, मतलब एक डो तैयार हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए, इस बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने अच्छे से इसे ड्राई करना है। ये देखिए एक, मतलब आपस में ये इकट्ठा हो गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो आप दोनों हाथों के, मतलब ऐसे बीच करके आप राउंड करके देखिए इसे गोला बनाकर, तो ये लोइया भी इसकी छोटी सी तैयार हो जाएगी। या फिर इस तरह आप मसल के देखेंगे तो हाथों के बीच में, मतलब चिपकेगी भी नहीं। तो यहाँ पे इसका अच्छा सा एक लोइया तैयार हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम लिए हैं आटा, जो नॉर्मल है रोटी के लिए, हम जो गूंथ के रखे रहते हैं वही आटा है। तो यहाँ पे हम
आटे को ले लिए हैं, ऑलरेडी हम गूंथ कर रखे हुए थे आटे को। तो यहाँ पे इसका हम लोइया तैयार करेंगे। जितने बड़े आपको मतलब रोटी के जो साइज़ होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा और मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लोइया तैयार कर लिए हैं। इसमें हम एक चम्मच जो दाल हमने ड्राई किया है उसे लेंगे और दोनों आपस में किनारे को हम चिपकाएंगे और यहाँ पे हम इसे इस तरीके से राउंड करके इसका जो भाग है वो फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे आटे में इसी तरीके से फिल करने के बाद इसे हम बेल लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमें ड्राई यानी परथन चाहिए। सूखे आटे को परथन बोला जाता है। तो आप यहाँ पे सूखे आटे ले लें और इसे इस तरीके से लगाकर आप रोटी के जैसा बेल लें। ये देखिए, दोनों साइड से बहुत ही परफेक्ट बेली है, कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दाल मतलब बाहर आ जाए। तो यहाँ पे गैस पे हम तवे चढ़ाए हैं, तवे बहुत ही अच्छे से गर्म हो गए हैं। तो रोटी को हम दोनों साइड से हम कुक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके एक साइड पहले रिफाइंड ऑयल लगाएंगे, या फिर जो भी आप तेल खाते हो आप इसके ऊपर से डाल दो और अच्छे से दोनों साइड से इसे हमें कुक कर लेनी है। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही टेस्टी ये हमारी बची हुई दाल की रेसिपी बनके तैयार है। अब आप इसे अपने मनपसंद खीर हो या फिर सेवैया हो, सब्जी हो, जो भी आप पसंद करते हो आप इसे खा सकते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। हमने कई बार बनाया है, खुद आजमाया है, खुद खाए हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए और इंजॉय कीजिए। सामान आजकल महंगी होती है तो उसे फेंकना क्यों, उसका एक अच्छा सा और लजीज रेसिपी बना लीजिए। ये देखिए कितना मतलब सॉफ्ट है, देखने से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमने गर्मा गर्म सब्जी और सेवैया के साथ सर्व करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टेस्ट है वो दोगुना बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें। अगर लाल बटन बज रही है तो दबाए सब्सक्राइब का बटन, नहीं तो ऑलरेडी आप कर दिए हैं तो नहीं दबाए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।